अपने प्लाट के लिए कनॉट पैलेस प्लाट होल्डर संघर्ष समिति के लोग 24 वर्षों से परेशान हो रहे हैं। सोमवार को इंदौर के 56 स्ट्रीट निजी होटल में प्रेस वार्ता कर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मंचों से भूमाफियाओं को जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं भूमाफियाओं की परतें लगातार खुल रही। इसी कड़ी में इंदौर के लसुड़िया क्षेत्र में बनी कनॉट पैलेस कॉलोनी को लेकर इंदौर के 56 दुकान पर स्थित एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जहाँ कनॉट पैलेस प्लाट होल्डर संघर्ष समिति के दिलीप गुप्ता और अन्य लोगों ने बेंगलोर के मनोज राठी, नीलेश मालपानी, विजय राठी सहित अन्य लोगों पर उनके साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए। पीड़ितों ने मीडिया के सामने कहा कि प्लाट के नाम पर उनसे लाखों रुपए ठग लिए गए और उन्हें प्लाट नहीं दिया गया। मामले में पीड़ितों ने कलेक्टर कार्यालय सहित तमाम संबंधित विभागों से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। एक बार फिर प्रेस वार्ता कर पीड़ितों ने अपनी तकलीफ जाहिर की है और न्याय की गुहार लगाई। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर बताएं, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्यों रखी है, क्या मामला? कॉलोनी पैलेस आवासीय कॉलोनी है, लसुड़ा मोरी के अंदर है, वहाँ पे प्लाट बुक किए थे, उसका पेमेंट भी दिया है, लेकिन हमें आज तक प्लाट नहीं मिला है, जो कि राठी फैमिली और मालपानी फैमिली ने नॉर्थ स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से हमें पेमेंट लिया है और अब कनॉट पैलेस के नाम से कॉलोनी कटी है। हमें किसी को भी आज तक प्लाट नहीं दिया गया है। इसमें दो लोगों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है, जो कि गृह निर्माण संस्था से रजिस्ट्री की, नटराज गृह निर्माण संस्था से, उन्हें भी प्लाट नहीं दिया गया है। हमारा सरकार से ये निवेदन है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। कौन है सर, किसे आपने पैसे दिए थे और कितनी फैमिली प्रभावित हुई है इससे? अभी तो हमारे पास 32 फैमिली है, 32 परिवार है जो उनको प्लाट नहीं दिए गए, और भी ऐसे मेंबर और जुड़ रहे हैं, करीब 250 लोग थे इसमें, लेकिन वो कुछ लोग रहे नहीं, कुछ लोगों को इनको सेटलमेंट हो गया है, ऐसे करके अभी अपने को 32 मेंबर है हमारे साथ में। अभी कब खरीदा था आपने प्लाट का, लेनदेन कब हुआ? वर्ष 97 में हमने पूरा पेमेंट दिया है, हमें आज तक प्लाट नहीं मिला है। अब आप क्या करेंगे आगे, क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी आगे, कैसे क्या करेंगे? हमने सभी दूर कंप्लेंट कर चुके हैं, जिसकी जांच चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। आगे सी हेल्पलाइन में भी गए, हम कलेक्टर साहब के पास भी गए, कमिश्नर साहब के पास भी गए, सहकारिता विभाग में, सब दूर जाँच चल रही है। हमें ये आशा है कि शीघ्र हमें न्याय मिलेगा। कितने का प्लांट है, क्या भाव से आपने लिया था और आज वर्तमान कीमत क्या होगी इसकी? उस समय हमने 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया था, डेवलपमेंट किया हुआ प्लाट देना के बाद थी। आज तो करीब 5000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट हो गया। कहाँ पर है ये कॉलोनी? लसुड़िया मोरी में है, जो MR 11 के ऊपर आता है। आपका परिचय? दिलीप गुप्ता। सर जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय बताया, हम बहुत से परिवारों ने 97 में ये प्लाट बुक करवाया था और उन लोगों ने मनोज मालपानी, उनकी परिवार की एक महिला भी है नम्रता मालपानी, विजय राठी, नम्रता राठी सॉरी, विजय राठी की विशेष है, और इन लोगों ने 97 में हमको जब प्लाट वो किया तब नॉर्थ स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी में हमारा एग्रीमेंट किया था और उसी कंपनी को उन्होंने, कुछ लोगों ने भी हमारे साथ जो कुछ साथी जुड़े हैं उनको उन्होंने कनॉट पैलेस की जो कॉलोनी कोई नॉर्थ स्टार को नटराज और करण गृह निर्माण संस्था ऐसी दो अलग संस्थाएं बना के उसमें भी उन्होंने उनको एग्रीमेंट कर लिया, किसी को एक दो को रजिस्ट्री भी कर दी, बाकी हमें किसी को आज तक न्याय नहीं मिला। और हमारी यही गुजारिश है शासन से, हमने बहुत पिछले 3 सालों से हम कंप्लेंट कर रहे हैं सब जगह, बाकी हमें इतना संतोषजनक जवाब या कार्यवाही नहीं लगी है आज तक कि हमारे को, हमको स्वयं को या हमारे साथियों को या आम जनता को उसका कोई फ़ायदा मिल जाता कि किसी को उसके बाद प्लाट मिलता या किसी से कोई सहयोग करते, वो लोग कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं और किसी को प्लाट नहीं। आप सब तरह के लोग हैं, कुछ लोगों ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी उनकी जा चुकी है, आज भी किराए के घर में रह रहे हैं। और आप देखिए, शासन से भी हमारी गुजारिश है कि इस पिछले 1 साल में कोरोना काल में कितने लोग दुखी हुए हैं, कितने प्रभावित हुए हैं, तो आज लोग घर का किराया भरेंगे या खाएंगे या कैसे अपनी गृहस्थी पालेंगे। ये जो कॉलोनाइजर्स से आप जुड़े कैसे थे, किस कोई एडवर्टाइज हुआ था या आप? हाँ, उनका एडवर्टाइज हुए थे और मेरे पति के मित्र थे, विजय राठी मेरे पति के मित्र थे, उनसे हमारे पारिवारिक संबंध थे, मालपानी और राठी दोनों से पारिवारिक संबंध थे। तो इतना कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता ना पारिवारिक संबंध में कि कोई इस तरह की धोखाधड़ी या फ्रॉड करेगा, चीटिंग करेगा। कितने अमाउंट की धोखाधड़ी आपके साथ हुई, क्या समझते हैं? अब वो आज की तारीख में तो अमाउंट बहुत है, जब हमने 2.5 लाख भर चुके हैं आज की तारीख में, आप दोनों फ्रॉड का कितना रेट बढ़ गया है। अब आप क्या करेंगे आगे? बस हमें तो शासन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बाकी अपने छोटे बड़े सभी तरह के साथी हैं उनको सबको साथ लेके चल रहे हैं,
और बस हमारी यही रिक्वेस्ट है शासन प्रशासन से, हम सब में कर सकें, बाकी हमको आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, चाहे सीएम हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वो, मतलब लगता है कि बोलते हैं कार्रवाई हो रही है, पुलिस रिपोर्ट भी है सब, पर कोई कार्रवाई का हमको नतीजा नहीं दिखा। हमने कलेक्टर द्वारा तो कार्रवाई की जा रही है, कई संस्थाओं पर कार्रवाई भी है, न्यायिक। हाँ, तो अभी ये पिछले दो सालों से जो कार्रवाई चल रही है, पिछले दो सालों में इतने भूमाफिया जो पकड़ में आए, हर बार हमारे दिल में ये उम्मीद जागती है कि शायद अब अपने ग्रुप का भी कोई सपोर्ट हो जाएगा, बाकी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमको। हमारे विरोधियों के प्रति कोई कार्रवाई हमको होती नज़र नहीं आ रही कि उन पर कोई प्रशासन शिकंजा कस रहा है। जब भी रोज़ पेपर की न्यूज़ पढ़ते तो हमको उम्मीद जागती है, सभी हमारा यही परिवार हो गया है, इन परिवारजन को भी सबको उम्मीद जागती है कि शायद अब इस कार्यवाही में अपने जो धोखेबाज लोग हैं कनाट पैलेस के मालिक, उन पर कुछ कार्यवाही शासन करे, पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, या तो कहीं रुकावट आ रही है या क्या हो रहा है, क्योंकि वो इतने अप्रोच वाले लोग हैं तो हो सकता है वो कहीं से रुकावट डाल रहे हैं। क्या किसी राजनीति से भी जुड़े हैं? पक्का जुड़े होंगे, इतना बड़ा फ्रॉड करने वाला व्यक्ति पार्टी से जुड़े कुछ बता सकता है? अब वो तो हमको कोई अंदाज नहीं है, क्योंकि जिस तरह से रुकावट आ रही है, जब इतने भू माफिया पकड़वा रहे हैं तो इनको भी पकड़ में आना चाहिए। आपका नाम बोलते हैं? श्यामा गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।